हेलो एवरीवन, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं डीके टेक्नो 52 में। आपका स्वागत है दोस्तों। आज का जो मेरा कंटेंट है काफी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है। इंस्टाग्राम रिलेटेड मैं ट्रिक लेकर के आया हूं। इंस्टाग्राम रिलेटेड ट्रिक में मैं आपको क्या बताना चाहता हूं दोस्तों, आप मतलब कि गौर करेंगे। आप जब अपना इंस्टाग्राम खोलते हैं दोस्तों, अपना इंस्टाग्राम खोलते हैं तो वहां मतलब आपका नाम रहता है, और मतलब कि नाम, अब आपको मतलब कि नाम के बगल में मतलब जो आपका आईडी होता है, हैंडल होता है, उसके जस्ट बगल में एक प्रोनाउन होता है। तो मतलब बायो में तो हम लिख लेते हैं, प्रोनाउन में हमें क्या लिखना है? प्रोनाउन में हमें लिखने के लिए मतलब कि आप जान सकते हैं कि मतलब कि इंस्टाग्राम यह जानना चाहता है कि आप मतलब कि एक पुरुष हैं या महिला हैं। अब आप कहेंगे कि दोस्तों वहां तो मेल फीमेल लिख देंगे तो पुरुष और मतलब महिला के बारे में तो जानकारी हो ही जाएगा दोस्तों, लेकिन यह जेंडर में लिखा जाता है। लेकिन एक फीचर वह मतलब कि प्रोनाउन नाम से लाए हैं, जिससे कि मतलब कोई भी यूजर आपके प्रोफाइल पे विजिट करता है अकाउंट पे, इंस्टाग्राम पे, तो वह कैसे जानेगा कि आप मतलब कि एक पुरुष हैं या फिर महिला हैं, लड़का हैं या लड़की हैं, ठीक है? आपके जेंडर के बारे में वह कैसे पता करेगा? देखिए दोस्तों, YouTube पे तो बहुत अच्छा अच्छा वीडियो आया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मतलब उसमें क्या आपको प्रोनाउन किस तरह से लगाना है। आपको मतलब कुछ करना नहीं है दोस्तों। यहाँ देखिए, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपना चालू कर देता हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का मेरा चालू चालू हो हो गया गया है। है। चलिए चलिए मैं मैं यहाँ यहाँ से से इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम को को खोल खोल लेता लेता हूँ हूँ दोस्तों। दोस्तों, इंस्टाग्राम को खोल खोल लेता लेता हूँ। हूँ। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम मेरा मेरा इस इस तरह तरह से से खुल खुल गया गया है, है। आप आप देख देख सकते सकते हैं हैं स्क्रीन स्क्रीन बोर्ड बोर्ड पे। पे इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम मेरा मेरा खुल खुल रहा रहा है है दोस्तों, दोस्तों, और और इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम खुल खुल जा जा रहा रहा है। है। थोड़ा थोड़ा सर्वर सर्वर इशू इशू है। है। यहाँ यहाँ देखिए देखिए इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम मेरा मेरा खुल खुल चुका चुका है। है। आप आप यहाँ यहाँ देख देख सकते सकते हैं हैं कि कि स्क्रॉल स्क्रॉल अप अप स्क्रॉल स्क्रॉल डाउन डाउन करके करके आप आप देख देख लेंगे। लेंगे। अब अब आपको आपको करना करना क्या क्या है, है, मैं मैं बात बात कर कर रहा रहा हूँ हूँ कि प्रोनाउन कि की। तो तो आप आप लोगों लोगों पर पर क्लिक क्लिक कर कर देंगे देंगे दोस्तों। दोस्तों, जैसे जैसे आप आप लोगों लोगों पर पर क्लिक क्लिक करेंगे करेंगे इस इस तरह तरह का का इंटरफेस इंटरफेस खुल खुल जाएगा। जाएगा। आप आप यहाँ यहाँ देखिए देखिए दोस्तों, दोस्तों, जो जो मतलब मतलब कि कि एडिट एडिट प्रोफाइल प्रोफाइल है, है, एडिट एडिट प्रोफाइल प्रोफाइल पर पर आपको आपको क्लिक क्लिक करना करना है। है। एडिट एडिट प्रोफाइल प्रोफाइल पे पे जैसे जैसे आप आप क्लिक क्लिक कर कर देंगे देंगे दोस्तों, दोस्तों, यहाँ यहाँ देखिए देखिए नेम नेम है, है, इसके इसके बाद बाद आपका आपका यूजर यूजर आईडी आईडी होगा, होगा, इसके इसके बाद बाद बायो बायो है, है, तो तो बायो बायो सब सब ही ही लिख लिख लेते लेते हैं हैं कि कि वेलकम वेलकम टू टू माई माई इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम आईडी आईडी में में आपका आपका स्वागत स्वागत है, है, और और जो जो कुछ कुछ भी भी आपको आपको लिखना लिखना है, है, इमोजी इमोजी वगैरह वगैरह लगाना लगाना है। है। लेकिन लेकिन अब अब आप आप यहाँ यहाँ जो जो प्रोनाउन प्रोनाउन देख देख रहे रहे हैं हैं दोस्तों, दोस्तों, आप आप प्रोनाउन प्रोनाउन का का क्या क्या मतलब मतलब कि कि होता होता है, है, प्रोनाउन प्रोनाउन में में आपको आपको क्या क्या भरना भरना है? है? चलिए चलिए हम हम प्रोनाउन प्रोनाउन पे पे क्लिक क्लिक कर कर देते देते हैं। हैं। जैसे जैसे आप आप प्रोनाउन प्रोनाउन पर पर क्लिक क्लिक करेंगे करेंगे दोस्तों, दोस्तों, आप आप यहां यहां से से देख देख सकते सकते हैं हैं कि कि इसमें इसमें भरना भरना क्या क्या है, है, कि कि मतलब मतलब कि कि एक एक जैसे जैसे कि कि अब भरने भरने के के लिए लिए अब अब आप आप एक एक लड़का लड़का है है कि कि एक एक लड़की लड़की है, है, कोई कोई कैसे कैसे जानेगा जानेगा आपकी आपकी मतलब मतलब अकाउंट अकाउंट पे पे कोई कोई विजिट विजिट किया किया या या आपको आपको मैसेज मैसेज किया किया कि कि आप आप लड़का लड़का हैं? हैं? जैसे जैसे मान मान लीजिए लीजिए कि कि कंफर्म कंफर्म नहीं नहीं हो हो पाता पाता है, है, जैसे जैसे सुमन सुमन हो हो गया, गया, किरण किरण हो हो गया, गया, क्षमा क्षमा हो हो गया, गया, रमा रमा हो हो गया, गया, ज्योति ज्योति हो हो गया, गया, तो तो यह यह पुरुष पुरुष का का भी भी नाम नाम हो हो सकता सकता है, है, स्त्री स्त्री का का भी भी नाम नाम हो हो सकता सकता है, है, मतलब मतलब लड़के लड़के का का भी भी नाम नाम हो हो सकता सकता है, है, लड़की लड़की का का भी भी नाम नाम हो हो सकता सकता है है दोस्तों। दोस्तों। जैसे जैसे मान मान लीजिए लीजिए किरण किरण देवी देवी या या किरण किरण सिंह सिंह या या किरण किरण मिश्रा मिश्रा या या किरण किरण देवी, देवी, ठीक ठीक है, है, ज्योति ज्योति कुमार कुमार हो हो गया, गया, ज्योति ज्योति सिंह सिंह हो हो गया, गया, ज्योति ज्योति देवी देवी हो हो गया, गया, इसके इसके बाद बाद क्षमा क्षमा देवी देवी हो हो गया, गया, क्षमा क्षमा सिंह सिंह हो हो गया। गया। तो तो मतलब मतलब कुछ कुछ नाम नाम ऐसे ऐसे हैं हैं जो जो कि कि स्त्री स्त्री का का भी भी होता होता है, है, पुरुष पुरुष का का भी भी होता होता है, है, यानी यानी लड़का लड़का का का भी भी होता होता है है, और और लड़की लड़की का का भी भी होता होता है। है। तो तो आपको आपको करना करना क्या क्या है है दोस्तों, दोस्तों, यहाँ यहाँ देखिए देखिए अब अब आपको आपको प्रोनाउंस प्रोनाउंस क्या क्या लिखना लिखना है। है? जैसे जैसे कि कि नाउन नाउन प्रोनाउन प्रोनाउन नहीं नहीं होता होता है है दोस्तों, दोस्तों, आप आप ग्रामर ग्रामर पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो तो आपको आपको मालूम मालूम होगा। होगा। अब अब कहिएगा कहिएगा बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा ग्रामर ग्रामर पढ़ने पढ़ने वाला वाला हो हो गया गया है, है, लेकिन लेकिन मैं मैं आपको आपको बता बता रहा रहा हूँ हूँ दोस्तों दोस्तों कि कि जैसे जैसे संज्ञा संज्ञा होता होता है है उसे उसे नाउन नाउन कहते कहते हैं हैं कि कि किसी किसी व्यक्ति व्यक्ति स्थान स्थान या या व्यक्ति व्यक्ति को को संज्ञा संज्ञा कहते कहते हैं, हैं, नाउन नाउन इज इज द द नेम नेम ऑफ ऑफ ए ए पर्सन पर्सन ए ए प्लेस प्लेस आर आर ए ए थिंग। थिंग। इसी इसी तरह तरह से से प्रोनाउंस प्रोनाउंस होता होता है है कि कि मतलब मतलब कैसे कैसे जानेंगे, जानेंगे, जैसे जैसे आप आप कोई कोई चिट्ठी चिट्ठी लिखते लिखते हैं हैं तो तो उसमें उसमें लड़का लड़का को को लिखते लिखते हैं हैं तो तो बोलते बोलते हैं हैं श्रीमान श्रीमान या या महोदय। महोदय। अब अब लड़की लड़की को को लिखते लिखते हैं हैं तो तो श्रीमती श्रीमती लगाते लगाते हैं, हैं, ठीक ठीक है है दोस्तों। दोस्तों। इसी इसी तरह तरह से से आपको आपको यहाँ यहाँ लिख लिख लेना लेना है। है। यदि यदि आप आप लड़का लड़का हैं, हैं, कुछ कुछ लोग लोग यूट्यूब यूट्यूब पे पे बता बता रहे रहे हैं हैं कि कि आप आप मतलब मतलब कि कि प्रोनाउन प्रोनाउन अटैच अटैच कर कर लेंगे लेंगे तो तो आपका आपका मतलब मतलब कि कि रिच रिच जाएगा, जाएगा, एंगेजमेंट एंगेजमेंट जाएगा। जाएगा। देखिए देखिए दोस्तों, दोस्तों, मैं मैं आपको आपको हाथ हाथ जोड़ जोड़ से से प्रार्थना प्रार्थना करता करता हूँ हूँ कि कि ऐसे ऐसे यूट्यूबर यूट्यूबर मतलब मतलब कि कि ऑडियंस ऑडियंस को को मिस मिस इनफॉर्मेशन इनफॉर्मेशन ना ना दे, दे, उनका उनका डाउट डाउट क्लियर क्लियर करें, करें, क्योंकि क्योंकि उन्हें उन्हें अंधेरे अंधेरे में में आप आप रखेंगे रखेंगे तो तो आप आप खुद खुद ही ही अंधेरे अंधेरे में में रहेंगे। रहेंगे।
यदि आप लड़का का हैं, आप लड़का में लगा रहे हैं तो ही लिख देंगे तो अगला बंदा जान जाएगा कि यह पुरुष है, वह आपको भैया करके ही बोलेगा। अब आप किरण लिखा हुआ है लेकिन कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आप किरण बहन भी बोल सकता है, भाई भी बोल सकता है, सस्पेंस क्रिएट हो गया। लेकिन यदि आप स्त्री हैं तो सी हर हेयर आपको लिख देना है। यदि आप न्यूट्रल जेंडर हैं तो दे देम यह सब आपको लिखना है दोस्तों। तो यहाँ आप जान गए हैं प्रोनाउंस के बारे में। अब आपको क्या करना है, फिर से आपको इंस्टाग्राम पे विजिट कर लेना है। यहाँ देखिए इंस्टाग्राम पे मैं विजिट कर लिया हूँ और यहाँ देखिए दोस्तों मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ कि यहाँ आप देखिए मैं बैक करता हूँ, बैक करके दिखा देता हूँ कि यहाँ मतलब कि जो यहाँ देखिए गुरुदेव के बगल में कुछ भी ही हर कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलिए हम क्या करते हैं कि आपको एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करने के वहां बगल में अटैच कैसे होगा, फिर से आपको प्रोनाउन पर क्लिक कर देना है। प्रोनाउन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एच ई लिख लेना है, एच ई लिखेंगे यहाँ देखिए ही आ गया है और फिर इसके बाद हिम लिख लेना है आपको दोस्तों, एच आई एम हिम आ गया, हिम लिख लेना है और मतलब कि हिज भी लिख सकते हैं, एच आई यहाँ देखिए हिज आ गया, हिम ही हिम हिज, ठीक है दोस्तों। अब आपको यहाँ देखिए आप यहाँ पढ़ सकते हैं और इसका मतलब कि जैसे लर्न मोर पर आप क्लिक करेंगे तो भी आप जान जाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे लर्न मोर पर आपको क्लिक करना है, देखिए लर्न मोर पर आप क्लिक किए तो वह यूट्यूबर भाई को बता रहे हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बना के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि रीच आएगा, एंगेजमेंट आएगा, ऐसा है वैसा है। यहाँ से पूरी अकॉर्डिंग आप पढ़ लेंगे आपको मालूम हो जाएगा कि आखिरकार प्रोनाउंस क्या है, इसको कैसे यूज किया जाता है। चलिए हम यहाँ से बैक कर लेते हैं दोस्तों। बैक करने के बाद यहाँ देखिए मेरा पूरा बैक हो गया है तो मतलब फिर से मैं खोल लेता हूँ और खोलने के बाद यहाँ देखिए मेरा इंस्टाग्राम खुल रहा है दोस्तों। इंस्टाग्राम खुलने के बाद आपको लोगों पर क्लिक करना है, लोगों पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, एडिट प्रोफाइल पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। फिर से आपको प्रोनाउन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ से चलिए मैं फिर से वही प्रोसेस अपनाता हूँ दोस्तों, ही लिख देता हूँ, ही लिख दिया, फिर इसके बाद एच आई एम हिम लिख दिया, फिर हिज लिख दिया, ठीक है दोस्तों, हिज लिख दिया, यहाँ आ गया है। अब यहाँ देखिए शो टू फॉलोअर ओनली, मतलब कि यदि आप इसको ऑन रखते हैं तो आपका कोई मतलब कि अकाउंट पे विजिट करेगा इंस्टाग्राम पे तो वह मतलब कि उसी को शो होगा और किसी को शो नहीं होगा। यदि आप इसको ऑफ कर देते हैं तो फॉलोअर को शो नहीं होगा, जो आपको फॉलो करेगा उसी को शो होगा, तो इसको आप ऑन कर देते हैं। आपको क्या करना है, यह तो पुरुष के लिए हो गया दोस्तों। यदि आप स्त्री हैं तो हर लिखें और हेयर लिखें और मतलब कि जो वहां से आप जो हम दिखाए गूगल पे भी आप जान सकते हैं कि जेंडर का मतलब कि न्यूट्रल जेंडर और इसके बाद स्त्री लिंग पुरुष लिंग या नपुंसक लिंग का मतलब कि कौन सा प्रोनाउन से यहाँ लगेगा दोस्तों। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ राइट नाउ पर क्लिक कर देना होगा। राइट नाउ पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ देखिए मैं बैक करता हूँ दोस्तों। बैक करने के बाद यहाँ देखिए बगल में अभी तो कुछ नहीं आया है, चलिए मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ इसको दोस्तों। देखिए मैं यहाँ रिफ्रेश कर लिया है, ही हिम हिज यहाँ बगल में आ गया है। कोई भी आपके अकाउंट पर विजिट करेगा दोस्तों तो वहाँ जान जाएगा कि आप बंदा है या बंदी है, लड़का है या लड़की है, स्त्री है पुरुष है। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। प्लीज वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।